I hope you're doing fine and great and welcome back to my channel. So today I'm going to share with you Meesho haul guys. And मैंने Meesho से different style की कुर्तीज मंगवाई है. कुछ पैर में है, कुछ सिंगल कुर्ती है, कुछ शॉर्ट कुर्ती भी है. सो काफी सारी मिक्स कुर्ती का हॉल है ये. देन आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए गाइस, सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना तो आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी. तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो. इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज बोलना चाहती थी कि जितने भी कुर्ते मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सारे कुर्ते आपको 500 के अंदर मिल जाएंगे. सिर्फ एक कुर्ता को छोड़ के मैं बता दूंगी कि वो कौन सा है. एंड जो भी कुर्ती मैं शेयर करूंगी सबकी प्राइस भी स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी, थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए. सिर्फ फर्स्ट कुर्ता है गाइस जो मैंने मीशो से मंगवाया, यानी काफी अच्छा कुर्ता मुझे मिला है. एंड ग्रे कलर का कुर्ता है और इसमें काफी सारे ऑप्शन है, कलर ऑप्शन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे. बट ये मुझे ग्रे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा क्यों ना ग्रे ट्राई किया जाए. काफी प्यारा कुर्ता मुझे मिला है गाइस, आई एम सो हैप्पी. सो फर्स्ट हम उसकी नेकलाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको राउंड वी नेकलाइन दे रखा है एंड ये वाले पोर्शन में हल्की फुल्की डिजाइन भी की हुई है तो काफी अच्छा लग रहा है. देन यहाँ पे आपको 1/4 स्लीव मिल जाएगी और स्लीव के ऊपर भी डिजाइन की हुई है. सेकेंड इसकी फैब्रिक की बात करूं तो इसका फैब्रिक आपको प्योर कॉटन फैब्रिक मिल जाएगा एंड काफी लाइट वेट कुर्ता है. मतलब पहनने के बाद समझ में नहीं आता है वैसा वाला कुर्ता है तो मुझे काफी अच्छा लगा. एंड अभी समर चल रहा है, समर के हिसाब से सुपर. मतलब जितना मैंने पे किया उस हिसाब से काफी अच्छा है. एंड आप भी ऐसा सिंपल सा कुर्ता ट्राई करना चाहते हो तो गो फॉर इट गाइस, काफी अच्छा है एंड आई लाइक इट. नेक्स्ट गाइज माई फेवरेट पेयर गाइज, एंड ये भी काफी टाइम से इस पेयर को ट्राई करना चाहती थी एंड फाइनली दैट टाइम मैंने इसको पिक कर लिया. सो ये प्लाजो एंड कुर्ता का सेट है गाइज. सो फर्स्ट हम उसके कुर्ते की बात करते हैं तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा कुर्ता दे रखा है एंड इसकी प्रिंट भी मुझे काफी अच्छी लगी है. सो फर्स्ट हम उसकी नेकलाइन की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा राउंड सा नेकलाइन मिल जाएगा एंड उसी के अंदर काफी सारी गोटापत्ती का काम किया हुआ है गाइस, काफी प्यारा काम किया हुआ है तो ये मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. एंड यहाँ पे 1/4 स्लीव मिल जाएगी, स्लीव के ऊपर भी गोटापत्ती का काम किया हुआ है. सो काफी प्यारी प्रिंट का ये कुर्ता है एंड मुझे थोड़ा यूनिक लगा ये वाली चीज एंड पहनने के बाद इट्स लुक सो प्रीटी. एंड इसमें मेरी साइज इतनी स्मॉल और इसका जो फैब्रिक है ना 100% प्योर कॉटन फैब्रिक है गाइस, सो आप इसको ट्राई जरूर कर सकते हो. देन उसी के साथ आपको प्लाजो मिल जाएगा, काफी अच्छा है यार, बहुत प्यारा प्लाजो है. सो ये है इसका प्लाजो एंड इसकी जो प्रिंट है ना वो भी थोड़ी यूनिक है. आई थिंक हमारे वहां लेरियो बोलते हैं, आपके वहां क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये काइंड ऑफ लेरियो वाली जो प्रिंट होती है ना वैसी वाली प्रिंट है. देन आप नीचे जाओगे तो यहाँ पे पूरा अच्छा सा कोटापत्ती का काम किया हुआ सी, तो काफी अच्छा यूनिक पीस है और मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा. एंड जितना मैंने पे किया उस हिसाब से काफी प्यारा ये कुर्ता सेट मिला है एंड आई लाइक इट. नेक्स्ट मैंने पिक की है ये ब्लैक कलर की शॉर्ट कुर्ती गाइस, ये कुछ इस टाइप की एम्ब्रॉयडरी वाली कुर्ती है. सो फर्स्ट हम उसकी नेकलाइन की बात करें तो यहाँ पे सिंपल सा राउंड सा नेकलाइन मिल जाएगा, देन आपको 1/4 स्लीव मिल जाएगी और स्लीव के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी की हुई, तो ये हर जगह पे आपको ये एम्ब्रॉयडरी की मिल जाएगी. एंड इसके फैब्रिक की बात करें तो फैब्रिक तो बिल्कुल अच्छा नहीं गाइस, बहुत ही चिप क्वालिटी का ये शॉर्ट कुर्ती मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी. एंड उसी के अंदर आपको हाफ लाइनिंग मिल जाएगी, बट ये जो लाइनिंग वाला जो फैब्रिक है ना वो पॉलिस्टर वाला फैब्रिक है गाइस, मतलब कंफर्टेबल ही नहीं लगेगा जब आप इसको पहनोगे, तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा ये शॉर्ट कुर्ता. बट आप ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो एंड लुक वाइज अच्छा लग रहा है, मतलब लुक वाइज ठीक है बट फैब्रिक बिल्कुल अच्छा नहीं है. सो मैं तो बोलूंगी इसको मत ट्राई करना, बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो आप पर डिपेंड करता है आपको लेना है या नहीं. दैट्स इट. नेक्स्ट जो आइटम मैंने पिक की है ब्यूटीफुल नायरा कट कुर्ता गाइस, एंड सी काफी प्यारा अच्छा हैवी वाला कुर्ता मुझे मिला है एंड मुझे कुर्ता काफी ज्यादा पसंद आया, मतलब बहुत ज्यादा. मतलब आज के वीडियो में मुझे सारे कपड़े बहुत अच्छे लगे, सिर्फ एक को छोड़ के जो ब्लैक कलर का जो शॉर्ट कुर्ती है ना उसको छोड़ के मुझे सारे कपड़े बहुत अच्छे लगे. सो फर्स्ट उसकी नेकलाइन की बात करूं तो यहाँ पे सिंपल सा राउंड सा गला दे रखा है, देन यहाँ पे 1/4 स्लीव मिल जाएगी एंड काफी अच्छी लेंथ वाला ये कुर्ता है एंड पूरे कुर्ते में आपको ऐसे एम्ब्रॉयडरी की मिल जाएगी. सी
काफी अच्छा हेवी वाला कुर्ता है। सो आई थिंक आप इसको वेडिंग में भी डाल सकते हो, किसी की वेडिंग हो या रिसेप्शन हो या फिर ऐसे गेट टुगेदर हो, वहां पे भी इस कुर्ते को डाल सकते हो। काफी अच्छा रिच लुक लग रहा है, मुझे काफी अच्छा लगा ये कुर्ता। एंड इसमें मैंने साइज ली थी मीडियम, स्मॉल साइज अवेलेबल नहीं थी इसलिए, बट ये मुझे हल्का सा टाइट करवाना पड़ेगा। आई थिंक हल्का नहीं, बहुत ज्यादा लूज हो रहा है, तो हल्का सा मुझे टाइट करवाना पड़ेगा, वो दस फाइन। बट ये मुझे काफी अच्छी चीज लगी एंड जितना पे किया उस हिसाब से काफी अच्छा कुर्ता मुझे मिला है। आई एम सो हैप्पी एंड मैं हाईली रिकमेंड करती हूँ गाइस, इस कुर्ते को आप डेफिनेटली ट्राई करके देखो, काफी अच्छा कुर्ता है। आउट ऑफ स्टॉक जाने से पहले ट्राई कर लेना एंड आई लाइक इट। नेक्स्ट मैंने ऑर्डर की थी ब्यूटीफुल मैक्सी लॉन्ग ड्रेस गाइस, एंड साथ में मैं ये भी दिखा देती हूँ। सो काफी प्यारी ड्रेस मैंने पिक की है गाइस, एंड मैं काफी टाइम से सोच रही थी, मतलब काफी टाइम से मेरी वेस्ट लिस्ट में थी ये वाली ड्रेस, बट मैं ले नहीं रही थी कैसे है कैसे नहीं, बट सुपर गाइस बहुत ही अच्छी मुझे ड्रेस मिली है एंड आई एम सो हैप्पी। काफी प्यारी एंड इसका जो फैब्रिक है ना काफी अच्छा है, तो मुझे काफी ज्यादा अच्छी लगी। एंड इसमें मैंने साइज दी थी स्मॉल, सो मुझे परफेक्टली आ गई ना, मुझे कम साइज कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो फर्स्ट हम उसकी नेकलाइन की बात करें तो यहाँ पे आपको टर्टल नेकलाइन मिल जाएगा, देन उसके नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पे हल्के फुल्के टैशन मिल जाएंगे एंड यहाँ पे आपको कोई स्लीव नहीं मिलेगी, ये पूरा स्लीवलेस है। देन और नीचे जाओगे तो यहाँ पे काफी अच्छा फेयर दे रखा है, काफी अच्छी ड्रेस है एंड इसको देख के मुझे ना बीच वाली वाइब आती है, पता नहीं क्यों, बट चलो घूमने जाते हुए ऐसी वाली वाइब आती है। काफी प्यारी ड्रेस है गाइस, काफी अच्छी एंड आई थिंक ये ऑफ वाइट कलर में है तो इस लुक सो ब्रेडी एंड ये बिगनर टीनेजर दोनों के लिए काफी अच्छी है, तो आप ट्राई करना चाहते हो तो इसको ट्राई कर सकते हो एंड आई लाइक। नेक्स्ट जो मैंने पिक किया दिस ब्यूटीफुल डार्क ब्लू कलर का चिकनकारी कुर्ता गाइस, सी काफी अच्छा कुर्ता मुझे मिला है। देन ये काफी पहले ट्रेंड में था एंड अभी वापस से इसका ट्रेंड वापस आ गया है, काफी लोग वेयर कर रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना दैट टाइम मैं कुछ डिफरेंट वाली प्रिंट वाला कुर्ता ट्राई करूं, तो काफी अच्छा लगा मुझे आया ना, तो आई एम सो हैप्पी कि भाई जैसा देखा था वैसा ही मिला मुझे। काफी अच्छा कुर्ता मुझे रिसीव हुआ एंड इसमें मैंने साइज ली थी मीडियम, बट यहाँ पे कहीं पे भी साइज मेंशन नहीं की है, तो आई थिंक ये मुझे लूज हो रहा है, तो आई थिंक ये मीडियम साइज है या फिर कोई और साइज है, बट लुक वाइज काफी अच्छा लग रहा था तो मैंने इसको रिटर्न नहीं किया। एंड इसकी फैब्रिक की बात करूं तो यहाँ पे आपको वो ठंडा वाला जॉर्जेट फैब्रिक होता है ना, वो मिल जाएगा, तो काफी अच्छा है, देखो आप देख लो काफी अच्छा है एंड इसके ऊपर जो चिकनकारी काम किया हुआ है ना वो काफी अच्छा क्लीन एंड नीट काम किया हुआ है, तो इसमें कोई धागे वागे कुछ निकले हुए नहीं, आई थिंक यहाँ पे कुछ तो निकला हुआ है, अदरवाइज कहीं पे कुछ निकला हुआ नहीं, तो ये मुझे काफी अच्छा लगा ये कुर्ता एंड आई थिंक इसको आप सीक्रेट पैंट के साथ या लेंगिस के साथ या फिर जींस के साथ भी डाल सकते हो, काफी अच्छा कुर्ता है एंड कंफर्टेबल है, लाइट वेट है, तो आप इजीली समर में भी डाल सकते हो एंड आई लाइक इट। लास्ट आइटम गाइस, तो लास्ट में मैंने एक शॉर्ट कुर्ती ऑर्डर की थी, कुछ डार्क ब्लू कलर की शॉर्ट कुर्ती है सी। सो फर्स्ट हम उसकी नेकलाइन की बात करें तो यहाँ पे राउंड सा नेकलाइन दे रखा है एंड देन उसके नीचे आप जाओगे तो यहाँ पे टाइप करने के लिए दोरी दे रखी है एंड यहाँ पे चार या पांच बटन दे रखे हैं एंड पूरी ये कुर्ती में आपको एम्ब्रॉयडरी का काम मिल जाएगा एंड आपको वन फोर स्लीव मिल जाएगी, स्लीव के ऊपर भी एम्ब्रॉयडरी की हुई है। काफी अच्छा ये मुझे शॉर्ट कुर्ता लगा एंड इसके नीचे काफी अच्छी लगेगी ये कुर्ती एंड ऑफिस एंड कॉलेज गर्ल्स के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है, तो आप इसको ट्राई करना चाहते हो ट्राई कर सकते हो। एंड इसमें मैंने साइज ली थी स्मॉल, सो मुझे परफेक्टली है, मुझे कम ज्यादा कुछ भी करवाने की जरूरत इनका भी कंफर्टेबल है, मुझे अच्छी लगी है एंड इसका फैब्रिक भी जॉर्जेट वाला है, तो मतलब गर्मी वर्मी होने का तो चांस ही नहीं है इसके अंदर, सो आई लाइक इट। गाइस एंड आज का वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, देन ये वीडियो आप अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर के साथ भी शेयर कर सकते हो। बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वन, आई लव यू।